बहुत ही सत्कारयोग सारे ही मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता। अज पंजाब की विधानसभा पंजाब के माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होना ने गवर्नर साहब के माणयोग गवर्नर साहब के एड्रेस नू लैके अपना जिहड़ा जवाब पंजाब सरकार की मौजूदा कारगुजारी और भविख नू लैके की योजनावां एक डिटेल च माणयोग मुख्यमंत्री जी ने अपनी गल रखी और खासकर जिहड़े साडे विरोधी पोलिटिकली अपोनेंट लोग हैं साडे विरोधी साथी हैं जिहड़े पार्टियां जिहड़ियां इस टाइम अपोजिशन च हैं जिहड़े वार वार ये कहिंदे सी भी मान साहब की सरकार जिहड़ी है वो सिर्फ ऐलान करती है साडे ते कई तरह का प्रोपोगंडा पिछले दिनों किया गया कि ऐलान कर रहे जमीन ते कुछ दिख नहीं रहा। तो अज माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने एक एक करके सरकार की कारगुजारी और नाल नाल आने वाले टाइम च पंजाब के भविख नू लैके पंजाब के सारे वर्गों नू लैके सरकार की की योजना रहने वाली है ते डिटेल जिहड़ी है चर्चा की और अपना जिहड़ा पक्ष है सरकार का रख्या। हुण जिहड़े कहिंदे सी भी ग्राउंड ते कुछ हुंदा नहीं है या सिर्फ सरकार ऐलान ही कर रही है तो सब तो पहला जे एग्रीकल्चर की गल कर लिए हुण एग्रीकल्चर जिसों माणयोग मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपए सीधी बिजाई ते इनसेंटिव देने की गल की सी ते साडे विरोधी पार्टियां दे जिहड़े लीडर साहबान है उन्होंने बड़ा हो हल्ला मचाया कई तरह के ईवन बड़ा उन्हों हल्के फुलके च लिया भी इस तरीके नाल ते पॉसीबल नहीं है। लेकिन अज सीएम साहब के भाषण के दौरान अकाली दल के ग्रुप के लीडर मनप्रीत सिंह अयाली होना ने जिहड़े कि आप MLA हैं दाखा विधानसभा तो उन्होंने जिथे मुख पंजाब सरकार की एग्रीकल्चर नू लैके सीधी बिजाई नू लैके पॉलिसी नू तारीफ की ते नाल नाल एक गल माणयोग मुख्यमंत्री जी नू अपील करदे आ कि अगले साल ली अगले सीजन च यानी कि पैडी दे नैक्सट सीजन वास्ते सारे पार्टियां नू सारे लोगों नू बुला के एक कलैक्टिव फैसला लईए कि जिहड़ा भी कद्दू करूगा जां सीधी बिजाई नहीं करूगा और ते फाइन होना चाहिए। यानी कि माणयोग मुख्यमंत्री जी का जिहड़ा उपराला सी पंजाब दे पानी नू बचाउण दा और किसान दे लागत नू घटाउण दा उहनू अज जिहड़ा ऑन रिकॉर्ड हाउस च भी विरोधी जिहड़े साडे विरोधी साथियों ने एक्सैप्ट किया मंजूर किया एप्रीशिएट किया। सो नीयत और नीति की गल है कोई नहीं कहता सी कि पंजाब च MSP दिती जा सकती है लेकिन मूंगी ते मुख्यमंत्री जी ने जदों MSP की घोषणा की और जिस तरीके नाल पंजाब के किसानों ने मूंगी नू लैके माणयोग मुख्यमंत्री जी की अपील ते भरोसा दिखाया या भरोसा जताया उतना मूंगी का जिथे रकबा वध्या उत्थे किसान की इनकम भी वधी है। देखो साडा ते पिछलियां सरकारां दा फर्क यह है जिहड़ा मेन मैं पॉइंट ते आउणा चाहुंदा है कि कंक्रीट फैसले सरकार लै रही है ते उहदे पॉजिटिव रिजल्ट भी दिख रहे हैं जदों नीति और नीयत साफ होवे जदों और ये 3 महीने पुरानी सरकार है मूंगी दे रकबे नाल MSP ते मूंगी खरीदी जा रही है किसान की इनकम वधी अडिशनल तीजी फसल दे नाल और जमीन की फर्टिलिटी ते बहुत वड्डा फर्क पिया। इहदे नाल नाल अज जिहड़ी बहुत गौर करन वाली गल सी और मैं तुहाडे मीडिया दे राही पंजाब दे लोकां नू इह दसना चाहुंदा है जिस बारीकी नाल मुख्यमंत्री जी ने इह गल कही भी साडी पैनी निगाह आ पेस्टीसाइड नू लैके नकली खादां नू लैके नकली दवाइयां नू लैके और खासकर कोऑपरेटिव मकैनिज़म यानी कि 5 एकड़ का 5 किल्लियां दे बंदे को भी ट्रैक्टर है ते 20 किल्लियां दे के को भी ट्रैक्टर है
मतलब जेडे इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर दे उहदे खर्चे नूं बचाउण लई उस लागत नूं घटाउण लई आउण वाले टाइम च माणयोग मुख्यमंत्री जी की अगवाई च पंजाब सरकार कोऑपरेटिव मकैनिज़म बनाऊगी एग्रीकल्चर नूं ध्यान च रख के कि कोऑपरेटिव ही किसान नूं जिथे उन्हूं अपना कर्जा दिया करूगा घट दर ते सस्ती दर ते नाल नाल जिहड़े एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है वह प्रोवाइड करूगी ताकि अडिशनल बोझ ना पवे किसान ते। और बड़ी बरीकी नाल पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जिहड़ी ट्रैक्टर मंडी बारे एक्सप्लेन किया है किसान किस हालातों च बेटी के विआह वास्ते लोन ते ट्रैक्टर लैंदा है फिर एक दो लख सस्ते च वेचदा है फिर वो पैसे नाल ब्याह करता है फिर सही किस्तां च या करजा जिहड़ा उत्ते चढ़दा जांदा है वो सारा जिहड़ा हालात बयान करदे हो उस तों उन्हां मुख उस तों पंजाब दे मुख्यमंत्री जी की संजीदगी और जमीनी हकीकत नूं लैके उन्हां दी जिहड़ी तवज्जो है वो उहदा जिहड़ा स्पष्ट रूप जिहड़ा अज पंजाब दी विधानसभा च दिखिया। हुण साडे विरोधी कहिंदे सी अखे जी सरकार जिहड़ा है ऐलान करती है तो जमीन ते कुछ करती नहीं हुण करप्शन के खिलाफ जिस तरीके नाल चाहे अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई करनी है चाहे साबका फॉरेस्ट मिनिस्टर जिहड़ा कांग्रेस की वजारत च मिनिस्टर सी उहदे ते कार्रवाई करनी या IAS अफसर ते कार्रवाई करनी ना तहसीलदारां ते कार्रवाई करनी पटवारियों ते कार्रवाई करनी एंटी करप्शन एक्शन लाइन जिदन असीं स्थापित कीती सी ते उस दिन भी साडी इस स्कीम नूं साडे विरोधियों ने यह कह के भंडिया सी आखिया जी ते पहलां भी बड़ियां लाइनां बनियां बड़िया फोन नंबर दिते गए आ बड़िया कमेटियां बनिया ते रिजल्ट ते कुछ आया नहीं। रिजल्ट उदों ही चंगा आ सकता जदों सरकार की नीयत साफ होवे सरकार का मुखिया ईमानदार होवे ते नीति स्पष्ट होवे। और जिस तरीके नाल करप्शन नूं लैके मैं जिस तरह गिणाया एंटी करप्शन एक्शन दे लाइन दे द्वारा 47 लोगों ते कार्रवाई हुई पटवारी तहसीलदार IAS अफसर मंत्री साबका मंत्री कई तरह की यानी कि कोई लिहाज नहीं पुलिस वाले आम जिहड़े नौकरी पेशा जिहड़े लोग सी जिहड़े करप्शन च सो ये सरकार का जिहड़ा ये पक्ष है अज पंजाब दे लोगों के सामने जिस तरीके नाल विधानसभा च मुख्यमंत्री जी ने गल अपनी रखी है तो मैं लगता है भी जो सारा पंजाब साड़ी सरकार का मूल्यांकन करूँगा या साड़ी सरकार की पूरी रूपरेखा वर्किंग नू एग्जामिन करूँगा तो इस ग्राउंड रियालिटी तो जिस तरीके नाल एक्शन होया ये अपने आप एग्जाम्पलरी। और पिछलियां सरकारां च सिर्फ तो सिर्फ स्लोगन वाइज स्लोगन दिते जांदे सी नारे दिते जांदे सी या लारे दिते जांदे सी या सेटिंग हो जांदी सी या हिस्सेदारी हो जांदी सी। हुण एक गल तवज्जो देण वाली आ और मैं तुहाडे मीडिया दे राही अपने सारे पंजाबियों नूं दसना चाहुंदा हां हुण आपां किन्नी वार ये गल सुनी है अतीत कि वाइट पेपर लियावांगे जी असी जी जिहड़ी करप्शन होई आ जिहड़ी लुट होई आ जिहड़े जिम्मेवार लोग है जिहड़े लुट सुट लई लोग जिम्मेवार आ उन्हां दे बारे पंजाब दे आर्थिक हालात बारे वाइट पेपर लियावांगे कदी नहीं आया ये सिर्फ स्लोगन रहे नारेबाजी रही मान साहब की सरकार ने पंजाब की मौजूदा आर्थिक स्थिति नूं बयान करती हुई जिहड़ा वाइट पेपर दे राही एक डाकूमेंट अज सदन च रख्या असैम्बली च रख्या ये अपने आप सरकार की नीयत और नीति नूं रिफलैक्ट करता है कि असी लिहाज नहीं कोई करना और ये राही अं पंजाब के लोगों नूं दस रहे हैं और तुहाडे राही भी यह गल जाऊगी क्योंकि मीडिया का बड़ा वड्डा रोल है और डेमोक्रेसी का जिहड़ा मकसद है वह भी यही है सरकारां दा जिहड़ी जिम्मेवारी सरकारां दी जिहड़ी अकाउंटेबिलिटी आ जवाबदेही है वह ये चीज़ां नूं लैके आ वाइट पेपर नाल जिथे मौजूदा आर्थिक हालात की आ उस दूसरा पिछले सालां च पंजाब की लुट खसुट किस तरीके नाल होई आ उहदे बारे डिटेल जिहड़ा डाकूमेंट जिहड़ा अज साडे माणयोग फाइनेंस मिनिस्टर ने अज विधानसभा च रख्या इस डाकूमेंट के राही असी पंजाब के लोगों नूं दसांगे
कि आर्थिक स्थिति बेहतर किस तरह बना है, मौजूदा किस तरह है, तो अतीत लुट सुट किस तरह हुई है। सो अज मान साहब की सरकार ने बहुत जिम्मेवारी एक अहम फैसला लेंदे हुए वाइट पेपर माणयोग मैंबर साहबानां और विधानसभा के पटल पर रख्या। सो मेरा मकसद अच प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही सी भी सरकार और सरकारी तंत्र का उसकी जिम्मेवारी की है सोसाइटी बारे। हुण मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत इंपोर्टेंट गल होर अज मैंशन की और मैं तुहाडे राही उन्हां कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर साहबानां नूं कहूँगा और दसना चाहूँगा कि UGC पे स्केल नूं लैके पहली ही पहले बजट सैशन च माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री जी ने अज स्टेटमेंट दी है कि आने वाले टाइम च और इस बजट च प्रोविजन करांगे कि पंजाब के जेडे कॉलेज है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है लैक्चरार टीचर है उन्होंने UGC स्केल दिते जाऊंगे ताकि और मैं तुम्हें दसना चाहूँगा इकलौता पंजाब स्टेट है जिथे UGC स्केल जेडे आ वो हजे तक जड़े लागू नहीं होए अक्सर पंजाब बाकी सारे मुल्क लागू है और किड्डी वड्डी जैदती सी साडे पंजाब दे लोकां नाल। अज माणयोग मुख्यमंत्री जी ने इस गल की जड़ी है अपनी जड़ी कमिटमेंट है वह दोहराई आ सैशन च और इनू लैके मैनू लगता है भी एक बहुत वड्डा तबका और ईवन पंजाब यूनिवर्सिटी का इशू भी आप सारे जानते पिछले दिन बड़ा उठे वो भी मेन कारण यही सी कि UGC के जोड़े पे स्केल सी वो लागू नहीं किए जा रहे थे। सो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की जोड़ी मंशा है जिथे मौजूदा बुनियादी जोड़ा ढांचा है उन्होंने दुरुस्त किस तरह करना है और आने वाले टाइम यानी कि ये फसल और नस्ल बचाने की गल है होया की आ पिछले दिनों च पंजाब ते कर्जा चढ़ गया पंजाब ते करोड़ों का कर्जा चढ़ गया तो कुछ पोलिटिकल जमात जी रूल करती रही है ईवन 97 तो लैके तो दो ही पार्टियां रूल करती रही या बादल साहब की रही है या कांग्रेस की रही है तो पंजाब ते कर्जा चढ़ गया तो इन्हां दे करोड़ों अरबों रुपए के एम्पायर जिहड़े आ वो खड़े हो साडे करप्शन नूं लैके जीरो टॉलरेंस की जिहड़ी पॉलिसी माणयोग केजरीवाल जी ने जो नीति अपनाई आ जिहड़ी शुरुआत की उस नीति नूं मान साहब ने अगे वधाया ITIs नूं लैके मोहल्ला क्लीनिक नूं लैके यानी कि 75वीं देश की जिहड़ी आजादी की वरेगांढ है 15 अगस्त नूं आने वाली 15 अगस्त नूं मान साहब की सरकार अपना जिहड़ा पिंड लैवल का क्लीनिक है मोहल्ला क्लीनिक है जिहड़ी एक कमिटमेंट सी पंजाब के लोगों नाल आम आदमी पार्टी की सरकार की कि लोगों नूं बुनियादी सेहत सुविधावां और फ्री ऑफ कॉस्ट देनिया उहदी शुरुआत जिहड़ी आ और अपनी कमिटमेंट नूं दोहराउंदे होए उहदी शुरुआत 15 अगस्त तों कर रहे हैं। बिजली गरंटी की गल ऑलरेडी 1 जुलाई तो इंप्लीमेंट कर जा रहे हैं और मैं एक एक डिपार्टमेंट बारे दसन लग जा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत लंबी चले जानी है लेकिन मैं एक गल जरूर तुहाडे राही सारे पंजाबी नूं दसना चाहुंदे हो आने वाले टाइम साडे जिहड़ी सरकार है एक एक डिपार्टमेंट बारे जिथे वाइट पेपर बारे अज फाइनेंस मिनिस्टर ने गल की है वाइट पेपर रखिया उत्थे आने वाले टाइम च सरकार हरेक डिपार्टमेंट का ब्यौरा जिहड़ा अतीत च की सी मौजूदा की है और भविख च की योजना वो बारे रखूगी। जिस तरीके अज माइनिंग मिनिस्टर ने गल की अज पटल ते हाउस ऑन रिकॉर्ड हाउस च माणयोग हरजोत बैंस होना ने रेत पॉलिसी लैके जो उन्होंने सवाल किया गया कि जिहड़े साबका रे माइनिंग मिनिस्टर सीगे कांग्रेस सरकार वालों कि अज तुहाडी इनकम की है तुहाडी पॉलिसी की है इहदी स्थिति की आ उहदे बारे हरजोत सिंह बैंस जिहड़े माणयोग मंत्री आ साडे उन्होंने कहा भी मैं इहते एक डिटेल स्टेटमेंट जिहड़ा बजट सैशन आफ्टर बजट रखणगे। सो असीं पंजाब दे लोकां नूं दसणा चाहुंदे आ कि मान साहब की सरकार हरेक विषय नूं लैके पंजाब दे हरेक वर्ग नूं लैके पूरी तरह गंभीर है और जिथे बुनियादी सेध है एजुकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर है करप्शन है
एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, मजदूर है, किसान है। जिहड़ी मुख्यमंत्री जी ने अज व्यापारियों नाल मीटिंग की गल की आ, आने वाले टाइम च पंजाब के व्यापार को किस तरह वधाउणा उहदे बारे भी बड़ी डिटेल जिहड़ी चर्चा और पॉलिसी जिहड़ी आ तुहाडे सामने रखांगे। सो अज जिहड़ा माणयोग मुख्यमंत्री जी ने अपना संबोधन किया जां अपना लैक्चर किया विधानसभा च गवर्नर साहब के एड्रैस के उपर, माणयोग गवर्नर साहब के एड्रैस से, उस तो यह स्पष्ट हुंदा है कि मान साहब की सरकार जो कहती है वह करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार को एक प्रोपर विजन है, एक नीयत है, एक नीति है। और पिछले 3 महीनों च चाहे सरकारी जमीन छुड़ाउण की गल है, चाहे 1 MLA नूं 1 पेंशन, हुण इह कहिंदे इह तां हो ही नहीं सकता जी 1 MLA 1 पेंशन, यह भी इस तरीके दे इहो जे फैसले लए आ जिहदे बारे कोई सोच नहीं सकता सी। जिहड़े फैसले अतीत सिर्फ ते सिर्फ कुछ वर्ग विशेष नूं कुछ लोकां नूं फायदा पहुँचाउंदे सी। सो इह मान साहब दे इस पंजाब दे लोकां नूं संबोधन जिहड़ा उहनां दी कमिटमेंट है उहदी आम आदमी पार्टी स्वागत भी करदी और तुहाडे राहीं पंजाब दे लोकां नूं जिथे भरोसा दवाने उत्थे अपील भी करते कि तुहाडा सहयोग साडे नाल इस तरीके नाल बनिया रहे। मौजूदा मुख्यमंत्री और उन्हां दी सरकार हरेक वर्ग नूं लैके हरेक मुद्दे नूं लैके पूरी तरह संजीदगी नाल काम कर रही है और आने वाले टाइम च पंजाब दी जिहड़ी तस्वीर है वह भी बदलूगी और नौजवानों की और आने वाली पीढ़ियां की तकदीर भी बदलूगी। सो यह अज मेरा विशा से तुहाडे नाल रूबरू होण दा, तुहाडा कोई सवाल हो तो तुसीं कर सकदे। देखो ये कोई दो राय नहीं है, करप्शन लैके मान साहब की सरकार की जिहड़ी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उस नीति ते चलते हुए पहला असी एक साडा मंत्री सी उर ते उहदी किते ना किते इनवॉल्वमेंट आई, उर ते एक्शन लिया साबका फॉरेस्ट मिनिस्टर ते लिया, जिहड़े ये IAS अफसर है पोपली साहब इन्हां ते बहुत सारा आरोप सी और पिछले दिनों च इन्हां नूं अरैसट किया गया। बड़ी अनफॉर्चुनेट गल है जिहड़ी उहनां दे बेटे दी उत्थे अज डैथ होई जां उहने सुसाइड किया है, जिहड़ी गल्लां सामने निकल के आ रही हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखदाई, असी इहनूं कोई इनकार नहीं करते। लेकिन करप्शन नूं लैके किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज सरकार नहीं करूगी। सरकारी जिहड़ा जिहड़ियां सरकार का कम है, सरकारी एजेंसियों का कम है विदाउट पक्षपात, विदाउट फेवरिज्म, विदाउट वेंडेटा वो चलता रहूगा। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया और उन्होंने घर चो अज बहुत सारा रिकवरी हुई है, गोल्ड की हुई है, पैसों की हुई है, फोनों की हुई है। और ये देखो समा जरूर मैं कहना पर लेकिन मैं वो लोगों को अपील करना चाहना है भी देखो अल्टीमेटली दुनिया तो लैके तुसी की जाना है, इस करके रब तो डरना चाहिए। करप्शन करन वेले, लुट सुट करन वेले, किसी के हक्कां नूं मारन वेले, और ये जिहड़ा बड़ा उन्होंने परिवार नाल दुखदाई इंसीडेंट होया इहदी सारी गल भी सामने आ जूगी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन हालात देख लो, मैंटल प्रैशर देख लो परिवारों पर किस तरीके का आया, इस तो भी सबक लैण की जिहड़ा आ बाकी लोगों नूं लोड़ है, क्योंकि पंजाब और पंजाबी आपां सारे एक परिवार हैं और पंजाब साडा सूबा है और साडी सारयां दी सारे वर्गों तो उपर उठ के साडी सारयां दी जिम्मेवारी है कि आउण वालियां पीढ़ियां का भविख चंगा होए, दे लई सारी ईमानदारी नाल चंगी नीयत नाल पंजाब का, चाहे वह किसान है, जवान है, मजदूर है, नौकरी कर्मचारी है, अफसर है, लीडर है, व्यापारी है, आपां सारे मिल के पंजाब नूं पंजाब दी मौजूदा मुश्किल हालात चों कढ़ीए और पंजाब नूं एक नंबर वन का सूबा जिहड़ा दुनिया च और पंजाब च देश च बनाईए, ये साडी कोशिश है। नहीं नहीं देखो एजेंसियों का अपना तरीका आ, हुण
लोग तो कहें जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई सी उदों भी लोगों ने बड़े सवाल उठाए अपोजिशन ने हुण उहदे रिजल्ट आउण लग गए ना। हुण जिस तरीके नाल सिद्धू मूसेवाला साहब की मौत ली जिहड़ा मास्टरमाइंड मन्निया जा रहा जिस तरीके नाल उहनूं रिमांड ते लिआंदा गया हुण उहदे नाल पुछगिछ ना होवे फिर कंकलूड किस तरह करांगे आपां कंक्रीट किस तरह करांगे आपां रिजल्ट ते किस तरह पहुँचांगे जे असी पुछगिछ नहीं करूगी ये जिहड़ियां साडियां कंसर्न एजेंसीज है उन्हां दा एक प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू लॉ है ये लॉ है अकॉर्डिंग टू लॉ है उहदे हिसाब नाल पुछगिछ करना उन्हां दा अधिकार है और उन्हां दा दसना फर्ज है। लेकिन मैनू नहीं लगता हालांकि इत्ते मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहुंदा उन्हां दी मौत नूं लैके लेकिन जो इमीजिएटली जो इंप्रैशन प्रभाव यह जा रहा भी ये किस तरीके का मैंटल स्ट्रैस है परिवारों पर और किस तरीके दे लोग जिहड़े आ जिहड़े चलो इन्हां दे फादर है या कोई होर किसी का होर परिवारिक मैंबर भी हो सकता कल कोई भी जिहड़ा लुट खसुट च जिम्मेवार हो सकता है उन्होंने सोचना चाहिए इस चीज़ों बारे कि अल्टीमेटली जिंदगी। हाँ जी की कह रहे हाँ जी सो मेरा मतलब है भाई एजेंसियों के काम च किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं गी लेकिन और च ये नहीं गा भी किसी ना कोई अनलाफुल कोई काम नहीं सरकार कर रही देखो सरकार किसी भी वादे तो नहीं भज रही मान साहब की सरकार एक एक गरंटी भी पूरी करूगी और पंजाब के आर्थिक हालात को बेहतर बनाऊगी। मैं तो एग्रीकल्चर और करप्शन लैके तो ताडे सामने एग्जाम्पल रखते कंक्रीट और उदा जमीनी स्तर पर जो प्रभाव है देखो प्रभाव दिख रहा ना किसान और ईवन विधानसभा अपोजिशन के लीडर ने भी एप्रीशिएट किया। तो सरकार जदों तुहाडे रिसोर्स जिहड़े आ सू पंजाब पैसे की कमी नहीं टैलेंट की कमी नहीं गल एक चंगी साफ सुथरी और ईमानदार अगवाई की लोड़ सी जिहड़ी मान साहब के रूप च मिली है पंजाब के आर्थिक हालात बेहतर होणगे और पंजाब के जिहड़े जिहड़ियां मान साहब की सरकार ने गरंटियां कीतियां या कमिटमेंट कीतियां वह भी पूरियां होणगियां। हाँ जी सारे किसी नूं नहीं बख्शा जाऊगा वड्डे नहीं गा ये धर्मसूत कोई छोटा बंदा सी कुछ इस करके अकॉर्डिंग टू लॉ चाहे वड्डा है चाहे छोटा है आ जिहड़ियां जमीनां छुड़वाइयां गईयां है सरकारी ये कुछ छोटे मोटे आम बंदियां ने दबियां सी ये बहुत वड्डा इन पोलिटिकल इनफ्लुएंस रखण वाले लोग सरकार च और पोलिटिकली जिहड़ी जमात है उहदे च वड्डा प्रभाव रखण वाले लोग सी। तो सरकार इस मसले ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूगी। आ मेरे को कुछ जानकारी आई है देखो उन्हां दे घर चों 12.5 किलो गोल्ड रिकवर होया कोपली साहब के घर चों 12.5 किलो गोल्ड 3 किलो सिल्वर 4 आईफोन बाकी चीज़ा इलीगल एम्यूनेशन जेडे राउंड होंगे एम्यूनेशन आ असले दे राउंड और बहुत सारिया इलीगल लीकर फलाना ये सारी डिटेल आ जानी है। सो कहण तो भाव ये आ एक तो भ्रष्टाचार नूं लैके सरकार कोई कंप्रोमाइज नहीं करूगी दूजी गल मैं बेनती करना चाहुंदा तुहाडे राही सारे पंजाब दे लोकां नूं और पंजाबियों नूं कि जेडे लोग लुट खसुट च इनवॉल्व है काइंडली पंजाब बारे सोचो अल्टीमेटली तुसीं जवाब रब नूं भी देना परिवार नूं भी देना। अज परिवार एक बंदा कोई परिवार की लुट खसुट शामिल हुंदा उहदे बाकी मैंबरां ते की बीतदी आ उहदे कई उदाहरण सामने आ रहे और ये भी जिहड़ा आ पहली जिहड़ी तफतीश सामने जिहड़ी गल आ रही है वह भी यही नहीं। मैं कहना जिहड़ी कोई ओथेंटिक गल है फिर तो मैं उहदे ते गल करां वीडियो ते अजकल किस तरीके नाल की वायरल हो रही है लेकिन ये गल मैं तुहानूं बड़ी जिम्मेवारी नाल कह रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोहराई है बसां दी सर्विस जिते बेहतर होगी
बच्चा बसों की क्वालिटी भी बेहतर होगी और किराया भी अद्धे तो घट रहेगा, वो साड़ी कमिटमेंट है। जिथे कोई कमी होगी वह भी दूर कर दी जाऊगी, एड्डी कोई गल नहीं, इनिशियल स्टेज है।